डिप्टी सीएम बनाए गए फडणवीस को बड़े मंत्रालय मिलने का मरहम लगाया जा रहा है। फडणवीस के पास होगी गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे बड़े मंत्रालय। सिंचाई मंत्रालय भी फडणवीस के पास रहने का दावा किया जा रहा है। शिंदे के पास पीडब्ल्यूडी, रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा, सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं। विधानसभा स्पीकर बीजेपी से चुने जाने की भी खबर बताई जा रही है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। श्वेता शालिनी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, राजपुंज शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल लोंदे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वहीं तमाम संवाददाता मुंबई से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मयूरेश गणपति हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपेश त्रिपाठी भी मुंबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले श्वेता शालिनी जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बात हो रही है देवेंद्र फडणवीस के बड़े दिल की, उस पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि अगर बड़ा दिल दिखाया होता यही देवेंद्र फडणवीस ने तो अब तो उनके सीएम बनने की बारी आ जाती। वो जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था, पहले शिवसेना का और फिर बीजेपी का, उन्हें डेप्यूटी सीएम बनना पड़ा। क्या कहेंगी शालिन जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका म्यूट है लगता है। जी बोलिए समीर जी। जी समीर जी, मैं शायद सुन नहीं पाई कि संजय राउत जी क्या कह रहे थे, क्योंकि मैं उनकी शक्ल ही देखती रह गई। आज इतनी मुरझाई हुई सी शक्ल थी कि मुझे याद आ गया एक बहुत पुराना गाना था कि बदले बदले से सनम नजर आते हैं, पतरा चौल के शायद आसार नजर आते हैं। खैर एनीवेज उन्होंने ये बात कही। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई तो तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जी ने तो यह साबित किया है। उस समय भी यदि उद्धव जी ने अगर फोन कर दिया होता और बातचीत पे टेबल पे आए होते तो शायद अभी भी उनकी सत्ता रहती और नाम और पिताजी का नाम खोने की नौबत नहीं आई होती, सारे मंत्री छोड़ के नहीं चले गए होते, शायद अभी तक उनके साथ कुछ लोग होते सिवाय परिवार के। लेकिन आज जो दुख मुझे संजय राउत जी के चेहरे पर नजर आया है और बाकी लोगों के चेहरे पे नजर आता है, वो इसलिए है क्योंकि आज शायद सचमुच में बाला साहब का सपना साकार हुआ है। श्वेता जी, आप जिस दुख की बात कर रहे हैं, संजय राउत के चेहरे के जिस भाव की बात कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए राजपुंज जी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी मयूरेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। मयूरेश, सियासी बाजार में इस वक्त कई तरीके की खबरें चल रही है। एक खबर यह भी कि फडणवीस कहीं ना कहीं नाराज हैं, अपने ट्विटर प्रोफाइल में वो डिप्टी सीएम ना लिख करके महाराष्ट्र सेवक लिखते हैं। शिवसेना यानी संजय राउत और उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। इस बीच खबर ऐसी भी आ रही है कि अब बात आती है फडणवीस को संतुष्ट करने की, और वो संतुष्ट तभी होंगे जब सरकार में उनकी जो पोजिशन है वो स्ट्रांग होगी, वो मजबूत होगी, मजबूत मंत्रालय मिलने की बात हो रही है। इस बारे में अंदर खाने से क्या खबरें? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, और जैसे सीएम है या फिर राज्यपाल है, तो देवेंद्र फडणवीस को जिस प्रकार से डिप्टी सीएम बनाया गया है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो नाराज़ हो सकते हैं, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उन्होंने खुद बताया था कि वो इस मंत्रिमंडल का भाग नहीं बनेंगे, लेकिन अब अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो है वो अहम पोर्टफोलियो रह सकते हैं, जैसे गृह मंत्रालय रह सकता है, इरीगेशन जैसा एक डिपार्टमेंट उनके पास रह सकता है, क्योंकि कल ही उन्होंने जो अंदर खानों से खबर आई थी वो है कि कल ही पहली कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस ने ये आदेश दिए थे कि जलयुक्त शिवार जो बंद की गई स्कीम है महाविकास आघाड़ी ने, जो कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और जिसकी वजह से पानी बचाना ये गांव-गांव में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था और लोगों को फायदा हुआ था, ऐसा उनका कहना है, वो स्कीम उन्होंने फिर से एक बार शुरू करने के आदेश दिए। तो इरीगेशन जैसा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास जा सकता है।